वीडियो है, स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक टाइम टेबल देने वाली हूँ। हाँ, हो सकता है कि ये टाइम टेबल एग्जैक्टली वैसे ना फॉलो हो जैसे आप इसको चाहते हैं, या हो सकता हो कि जो टाइमिंग मैंने दे रखी है यहाँ पर वो आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ना हो, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। बट एक ही आइडियल टाइम टेबल है कि इतना आप कर सकते हैं, और मतलब प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा। ये कुछ उस टाइप का है कि मतलब कोई भी इसको फॉलो कर सकता है, भले आप कोई एवरेज स्टूडेंट रहे हैं अभी तक, या अभी आप तक आप मतलब बहुत ज्यादा ऐसे टॉप पर हर टाइम पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है ये, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैं इतना आपको गारंटी के साथ मैं बोल देती हूँ कि अगर आपने ये टाइम टेबल रिलीजियसली फॉलो किया तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं बोल रही कि मतलब ये टाइम टेबल फॉलो करने से ही आपके मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि आप उस टाइम स्लॉट में कर क्या रहे हो। अगर 100% प्रोडक्टिव डायरेक्शन में आपने काम किया तो आपका जो स्कोर है वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ और आप समझ लीजिए इसको किस तरह से फॉलो कर सकते हैं आप। इसमें मैंने जो नॉर्मल खाने पीने की चीजें होती है, नहाना धोना और ब्रश आप कब कर रहे हो, वो सब आप पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। कोई सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी नहा लेते हैं, कोई दोपहर में नहाने के मतलब आदत रखते हैं, तो फिर वो उनके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक आइडियल टाइम टेबल है। मैं मान के चल रही हूँ कि इसी टाइप का भी आपका कुछ रूटीन होगा, और ये टाइम टेबल तब है जब आपकी मतलब अभी ऑनलाइन क्लास के हिसाब से मान लीजिए, और बाद में भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, उसी हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्टेड। अब क्या करना है देखिए, इसमें पहला तो क्या है, मैंने मान लिया कि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है। आपके स्कूल वाली क्लासेस रख ही रहे होंगे, वरना कुछ ऐसा सिस्टम होगा जिसकी वजह से आपकी यहाँ पर पढ़ाई मान ली जाती है कि आपका स्कूल का टाइम है। अगर ठीक है ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई, आपके स्कूल वाले फिर भी अगर बुला रहे हैं, आप कोई कोचिंग जा रहे हैं, तो उसका टाइम मान लीजिए। वैसे तो कोई है नहीं खुला अभी इस टाइम पे इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल, पर फिर भी मान लेते हैं कि अगर इस टाइम में आप ऑक्यूपाइड हैं तो ये आपके स्कूल का टाइम मान लीजिए, ठीक है, 8 से लेकर 2 बजे तक। अब आपको क्या करना है, मैंने लिखा शाम को 4 से लेकर 5 बजे तक आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है अपने फर्स्ट प्लॉट की। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, बीच का टाइम क्यों नहीं लिखा 2 घंटे, देखिए। अगर सपोज कीजिए अगर आप सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, थक जाएंगे बहुत ज्यादा, तो आपको क्या करना है, जो 2 से लेकर 4 बजे तक का टाइम है यानी 2 घंटा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपना खाना खा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो सकते हैं, थोड़ा टीवी देख लिया, या फिर आप कुछ और काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है, थोड़ा सा नैप ले लिया, नींद ले ली थोड़ी सी, तो उससे क्या होता है आपके लिए बेटर हो जाएगा, थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि ठीक है सुबह से पढ़ाई की 2 घंटे अब आराम का टाइम है, ठीक है। अब इसके बाद भी क्या करना है, आपको फर्स्ट स्लॉट में मैथमेटिक्स पढ़नी है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आपका माइंड एकदम फ्रेश है तो आपका दिमाग थोड़ा एक्टिवली काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स है वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस स्लॉट में आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं रखा गया है, कोई भी ब्रेक नहीं है, इसके जस्ट बाद आपको साइंस लेनी है, ठीक है। साइंस क्यों पढ़नी है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा, सिर्फ रटने का तो पोर्शन होता नहीं है, उसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर आपको 2 घंटे का स्लॉट बना के 1 घंटा मैथ्स पढ़नी है, 1 घंटा साइंस पढ़नी है। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो पहले साइंस पढ़ सकते हैं पहले मैथ्स पढ़ सकते हैं, वो जैसा भी आपको सुटेबल रखे, या जैसा भी कह दे आपका मूड है, आपको क्या लग रहा है, वो सब चीज आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आधे घंटे का ब्रेक है आपका, ये 2 घंटे का स्लॉट पूरा करने के बाद में आधे घंटे का ब्रेक रहेगा आपका। तो अब इस आधे घंटे में आप क्या कर सकते हैं, भाई साहब पानी पी लो, घूम लो घर में थोड़ा सा, ठीक है, इधर उधर कुछ काम कर लो, पर ये बात ध्यान रखना आधे घंटे से ज्यादा बढ़ाना हो ब्रेक, ठीक है। मान लिया 45 मिनट तक हो भी गया, पर ऐसा नहीं है कि फिर ब्रेक है तो फिर ब्रेक ही मान लिया हमने, हम खेलने चले गए, क्योंकि बॉयज का ये बहुत होता है भाई साहब खेलने का टाइम है चलो क्रिकेट खेलते हैं, गर्ल्स फिर भी ठीक है कुछ नहीं अपने घर में रहती है तो वो कर सकती है, बॉयज को मुझे थोड़ा एकदम अटेंशन लेके बताना पड़ रहा है कि भाई साहब खेलने नहीं जाना है, ठीक है, पढ़ना है यहाँ पर अपने को। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, SST पढ़ लेंगे इसके अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए अब माइंड फ्रेश है तो डेटा जो भी होता है SST में क्या है, रखने वाला काम है, फ्रेश माइंड है तो डेटा उसके अंदर अच्छे से स्टोर हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। तो 1 घंटा SST को देना है आपको। अब SST को देना है तो SST में देखिए चैप्टर डिवाइड होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जहां तक मुझे नॉलेज में अभी वाली जो बुक चल रही है उसके अंदर SST सिंगल के अंदर ही है, ऐसा अलग हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वगैरह के अलग अलग से बुक्स नहीं है, हाँ पर चैप्टर्स जरूर है, तो उस हिसाब से आप चैप्टर्स के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। जैसे आज कोई हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लिया तो फिर कल कोई जियोग्राफी का पढ़ लिया, उस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा इजी फील होगा और ऐसा बोरियत नहीं रहेगा कि यार क्या है ऐसे हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, नहीं जियोग्राफी पढ़ लो आप, ऑल्टरनेट में पढ़ लो आप, इसको कोई और चैप्टर पढ़ लिया, ऐसा नहीं। पर हाँ ये बात ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि भाई 1 घंटे में 1 चैप्टर तो कंप्लीट होगा नहीं, ये तो लिखवा के ले लो, आपको नेक्स्ट चैप्टर पे तभी जंप करना है जब पहले वाला कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं आधे आधे करके छोड़ दिए सारे और फिर मान लिया कि हाँ चलो हमारा सारा हो गया, आधे से तो बढ़िया है कि पूरे करो चाहे चार ही करो, ठीक है। आधे सपोज करो आपने 4 कर लिए और पूरे से 2 ही किए, ज्यादा फायदे में किसमें रहे, 2 वाले में रहे, क्योंकि एटलीस्ट उसमें से कोई भी तरह का क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग आ गया या फिर शॉर्ट आ गया, हर तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते, जिसमें आधा पड़ा तो आधा अधूरा ज्ञान तो घातक ही होगा, फिर उसमें तो कुछ नहीं समझ में आएगा भाई साहब, जब क्वेश्चन आएगा ना समझ में नहीं आएगा आपको।
फिर क्या करना है, 7:30 से लेकर 9 बजे तक आपके लिए ब्रेक है 1.5 घंटे का। क्यों है देखिए, इस टाइम में क्या होता है, थोड़ा भगवान का नाम लो तुम लोग, पॉजिटिव एनर्जी बहुत जरूरी, थोड़ा सा मेडिटेट कर लो, हो गया, खाना खा लो, थोड़ा सा टीवी देख लो जो अपना फेवरेट शो है। अब टीवी ऐसा नहीं है भाई साहब 11 बजे तक टीवी देख रहे हैं रात को, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा बहुत है आपके लिए। अब कई बार क्या बोलते हैं कि ऐसा मन थोड़ा ना होता है दीदी पढ़ने का, तो फिर मन थोड़ी ना होता है एग्जामिनर का 90+ मार्क्स देने का, तो ये चीज ध्यान रखो ठीक है। तो जब भी ऐसे डिमोटिवेशन आए ना, तो सोचो यार क्यों स्टार्ट किया था, करना है अपने को, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। अभी नहीं करोगे ना तो फिर क्या पता क्या हालत होगी, एग्जाम के एक दिन पहले रात को सो नहीं पाओगे ढंग से, तुम लोग पढ़ रहे होगे उस दिन भी पूरे टाइम, वो चीज मत आने दो यार, बहुत ज्यादा तकलीफ देती है वो चीज है फिर बाद में। तो अभी पहले थोड़ा सा पढ़ो, 1 घंटा कोई ज्यादा नहीं है, एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, मोर देन इनफ है यार, मोर देन इनफ ठीक है। तो ये चीज फॉलो करो, ये आपकी SST भी सलट गई ठीक है, सलट गई समझ आता है, सलट गई के लगे भाई साहब, सलटना किल होने को बोलते हैं पता नहीं यार, हमारे यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं ठीक है, हमारे यहाँ पे यही चलता है। अब फिर 9 से लेकर 11 बजे तक, रात को 9 से 11 बजे तक ठीक है। देखो 11 बजे के बाद में आपको हर हालत में सोना है, क्योंकि 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि क्या होगा ना, सपोज करो कुछ बच्चे अभी क्या करेंगे, 4-4 घंटे सो रहे हैं खाली रात को, बाकी रात रात भर पढ़ रहे, अरे वो फ्रूटफुल नहीं है भाई साहब, प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है। फिर पता क्या होता है, फिर तुम ऑनलाइन क्लास में बैठोगे, कैमरा चालू पड़ा तो पड़ा है, माइक चालू पड़ा तो पड़ा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, पर टीचर पढ़ा रहा है सामने, तो वो चीज ज्यादा है ना प्रॉब्लम है। और एक चीज ध्यान रखना, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या चाहे स्कूल की बात कर रहे हैं ठीक है, स्कूल मान लो चाहे ऑनलाइन क्लास मान लो, वहां की पढ़ाई वहीं पर खत्म करके आओ, उसको घर के लिए मत छोड़ो, वो पढ़ाई वहीं पे खत्म होगी बस, दैट्स इट। उसको इतने अच्छे से पढ़ो ना कि ज्यादा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, बस एग्जाम से पहले 1-2 बार पढ़ा और चलो काम हो गया हमारा ठीक है, वो चीज करनी है आपको। फिर 9 से 11 में इंग्लिश हिंदी संस्कृत, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने। अब देखो इसका मैं तरीका बताती हूँ, अब 2 घंटे में 3 सब्जेक्ट, अब कईयों की तो मैथमेटिक्स लगाने शुरू हो जाएंगे कि इतने पॉइंट इतने इतने मिनट आए, अरे पागल लोगों ऐसे नहीं होता। देखो क्या होता है, कई बार होगा तुम्हारा संस्कृत पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं होगा है ना, और कई बार होगा कि हिंदी पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं होगा, और कई बार इंग्लिश पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब देखो क्या कर सकते हो, एक दिन इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ ली, एक बुक दो बुक है तुम्हारी इंग्लिश की, एक दिन एक बुक का एक चैप्टर पढ़ लिया हिंदी के, एक दिन एक बुक का एक चैप्टर पढ़ लिया संस्कृत का, कोई एक चैप्टर पढ़ लिया संस्कृत के, छोटे छोटे से चैप्टर होते हैं, कोई बहुत बड़े नहीं होते, वो पढ़ लिए ठीक है। तो ये चीज संस्कृत का काम तुम्हारा 30 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाएगा, 30 मिनट्स के अंदर आराम से कर लोगे तुम, बाकी 45 मिनट में एक एक चैप्टर की रीडिंग लगानी। हिंदी इंग्लिश में क्या करना होता है ना, बच्चे से कंफ्यूजन, मैम लैंग्वेज है नंबर तो ऐसे ही नहीं मिलने वाले, हम क्यों पढ़े, अरे यार क्यों पढ़ो तो क्यों पढ़ो, समझो बात को तुम। देखो तुम्हें क्या करना था, स्टोरी पता होनी चाहिए, स्टोरी के मार्क्स हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं आता पेपर तुम्हारे हिंदी इंग्लिश का जितने तुमने हुए बना रखे। हाँ हिंदी का मैं मानती हूँ कि जो ऐसे होते हैं वो काफी प्रैक्टिस मांगते हैं, तो क्या कर सकते हो ना, संडे को जैसे टाइम मिले या फिर बीच में अभी तुम्हें छुट्टियां मिल जाएगी ठीक है, प्री जो छुट्टियां मिलती है ना एग्जाम से पहले जो छुट्टियां मिलती है, तो उसमें क्या करना, रोज का मतलब रोज का या फिर 2 दिन में एक बार एक ऐसे लिख लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि वो स्पीड भी बनी रहती है और पता भी रहता है। रटना नहीं है कोई भी ऐसे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सेम ऐसे आएगा, बस एक थीम माइंड में रखो कि हाँ इसने क्या क्या चीजें यूज की है, क्या क्या चीजें हम भी ऐड कर सकते हैं, तो वो चीजें आउटलाइन बना के रखो अपने दिमाग के अंदर, ऐसे ऐसे ही निकलेंगे तुम्हारे ठीक है, ऐसे ऐसे ही निकलेंगे, समझ गए। संस्कृत है इजी है, कुछ मत करना, 5-6 तो बेसिक जो रूप होते हैं वो याद कर लेना, वो पर्श धातु याद कर लेना, भव धातु याद कर लेना, ऐसा मतलब 5-6 तरह की धातु याद कर ली, 5-6 तरह के रूप याद कर लिए, बालक का कर लिया, फूल का कर लिया, इस तरह से 3-4 रूप याद कर लिया, बस दैट्स इट, हो जाएगा उसमें काम तुम्हारा, टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें ठीक है। और अगर एक एक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक तरीका भी बताना है कि कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया जाएगा, टेंशन मत लो, ये तो एक बेसिक है। अब देखो मैंने इसमें ये नहीं बताया कि इस 1 घंटे में या 2 घंटे के जो स्लॉट है तुम्हें क्या पढ़ना है, वो तुम खुद डिसाइड करोगे, और वो कब डिसाइड करोगे, ये जो 11 बजे का टाइम है ना, इससे 15 मिनट ले लो 11:15 तक का, इस 15 मिनट में तुम्हें पहले से डिसाइड होना चाहिए तुम्हें क्या पढ़ना है ठीक है। और अगर ऐसा अपने मन से नहीं कर पा रहे तो मैं एक तरीका और बता देती हूँ, जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ोगे जिस सब्जेक्ट का, सेम चीज यहाँ पे चिपका दो, सेम चीज पढ़नी है तुम्हें ठीक है। और फिर क्या करना है, देखिए अब ये जो 1 घंटा है पूरा, ऐसा नहीं है कि न्यू टॉपिक पढ़ोगे, मतलब जो क्लास में पढ़ा है वो रिवाइज करोगे, नहीं। क्या करना है, सपोज करो मंडे को क्लास हुई, तुमने मंडे को पढ़ लिया ठीक है, फिर ट्यूसडे की बात करते हैं, ट्यूसडे को क्या करना है, जो 1 घंटा बचेगा ना उसमें क्या करना है, पहले के जो 15 मिनट होंगे उस 1 घंटे में कोई भी सब्जेक्ट की बात कर लो, उसमें तो तुम्हें क्या करना है, मंडे की पढ़ाई करनी, जो मंडे को तुमने पढ़ा था वो वापस रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ने बैठ गए वापस, वैसा कुछ नहीं करना, बस एक बार सरसरी निगाहों से उसको देखना, सरसरी निगाहों यानी मतलब एक बार थॉरली पढ़ लेना है कि क्या क्या लिखा हुआ था, बेसिक पॉइंट्स होते हैं उन पर नजर डाल लेनी है ताकि दिमाग में रहे वो चीज तुम्हारे ठीक है। फिर क्या करना है, जो बाकी के 45 मिनट्स पढ़ेंगे यहाँ पे, तुमने जो आज ऑनलाइन क्लास में सीखा या जो तुमने टॉपिक लास्ट में डिसाइड किया था कि आज मैं ये पढ़ूंगा वो पढ़ना है तुम्हें ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि कैसे 1 घंटे को भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये चीज ध्यान रखना कि 1 घंटे में ऐसा नहीं तुम सोचते सोचते कहाँ पहुंच गए, ऐसा नहीं है, फिर है ना गाने बजेंगे पीछे कैसे क्या हो गए देखते देखते, तो वो चीज नहीं करनी है तुम लोगों को ठीक है।
अब देखो क्या करना है, संडे का भी कुछ थोड़ा सा जुगाड़ होना चाहिए। तुम सोचोगे दीदी कितनी मतलब वो ना पापी है, अन्यायी है, संडे भी नहीं छोड़ा हम लोगों के लिए। तो संडे तो मिलेंगे ना, अभी बहुत संडे है, 10th के एग्जाम के बाद में 2 महीने रहते हैं, तो फिर उस संडे में क्या करोगे? संडे मजे करना। वैसे भी लॉकडाउन में तुम लोगों ने बहुत मजे किए हैं, पढ़े बिल्कुल भी नहीं होंगे, एक आधे को छोड़ दे एक्सेप्शन है, तुम पढ़े नहीं होगे, मैं ये बता दूं तुम्हें। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस का दुहाई मत देना कमेंट बॉक्स में कि हमारी इतनी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, वो सबकी होती है, ठीक है? तो सब पढ़ रहे थे। हर संडे को क्या करना है, पूरे वीक तुमने जो भी पढ़ा उसको एक बार थोरोली देख लेना है। थोरोली देख लेना मतलब इसे पन्ने पलटने हैं कि भाई क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या वर्ड्स लिखे हैं, वो सब देखना है तुम्हें, ठीक है? हर संडे को 6 दिन जो भी पढ़ा वो चीज रिवाइज करनी है, ठीक है? अब तुम बोलोगे कि चलो रिवाइज भी कर लिया, लर्न भी हो गया, टेस्ट का क्या करें? टेस्ट का तो कोई जुगाड़ है ही नहीं यहाँ पे। तो देखिए, जहां तक मेरा मानना है, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उनके स्कूल वाले उनके टेस्ट भी भेज रहे हैं, तो टेस्ट का शेड्यूल या तो तुम अपने स्कूल वाला फॉलो कर लो, और या स्कूल वाले अगर ऐसा कुछ शेड्यूल वगैरह नहीं फॉलो करवा रहे तो सेकंड ऑप्शन बताती हूँ क्या करना है, ठीक है? सेकंड ऑप्शन सुन लो, अच्छे से सुन लो, और फिर नहीं समझ में आए ना तो वापस से वीडियो रिवाइंड करके देख लियो, और वरना मैं कोशिश करूंगी कि स्लाइड चला दूं जिसमें लिखा हुआ सब कुछ, ठीक है? तो वो देख लेना, स्क्रीन शॉट खींच लियो इसका पूरा, ठीक है? तुम लोग खींचते नहीं हो स्क्रीन शॉट, फिर बार बार तुमको डाउट आते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि क्या पूछ रहे हो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, संडे को रिवाइज कर लिया तुम लोगों ने, ठीक है? जितना भी पढ़ाया था, जितनी भी रामायण हुई, हमने रामायण को एकदम अच्छे से याद कर लिया। टेस्ट क्या करना है, हर दिन किसी भी एक सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, ठीक है? सपोज करो आज मंडे है, तो आज मैं इंग्लिश का टेस्ट दूंगी या दूंगा, ठीक है? इंग्लिश का टेस्ट दूंगा, तो फिर इंग्लिश का टेस्ट कब देना, जो इंग्लिश की पढ़ाई का टाइम होता है ना, कि भाई इंग्लिश की पढ़ाई करनी थी मेरे को 9 से 11 वाले स्लॉट के बीच में, तो उस टाइम इंग्लिश की पढ़ाई नहीं करूंगी, उस टाइम इंग्लिश का टेस्ट दूंगी मैं, ठीक है? तो वो चीज कर लेना। देखो बेईमानी नहीं कर रही हूँ, ना तुम पे बोझ डाल रही हूँ, एकदम सिंपल सी बात है भाई, टेस्ट दे रहे हो तो पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, वो भी एक तरह की पढ़ाई है टेस्ट देना भी, तो टेस्ट दे रहे हो उस टाइम पे कोई पढ़ाई नहीं करनी उस सब्जेक्ट की, उस दिन उस सब्जेक्ट को छोड़ दो, बाकी के सब्जेक्ट जो 5 है उनको पढ़ लो, ठीक है? एकदम सिंपल सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, और अगर अभी भी टफ लग रहा है तो यार कमेंट सेक्शन इसीलिए दिया है, टेलीग्राम चैनल का बार बार बोला है, फिर बोल रही हूँ, लिंक दे दूंगी, स्लाइड भी चला दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सब कुछ चेक कर लिया करो, वहां पर सब कुछ लिखा हुआ होता है, फिर भी तुम लोग ज्वाइन नहीं करते हो ग्रुप, और ग्रुप में पता है तुम लोगों को काफी बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं हम लोग, तो तुम भी ज्वाइन करो, तुम्हारे भी डाउट्स तक क्लियर हो, अगर तुम्हारे पास में कोई गाइड नहीं है तो एटलीस्ट कहीं पे तो हेल्प लो, और फ्री है बिल्कुल भी, एक भी पैसा नहीं लेती हूँ इस चीज का, फ्री फ्री फ्री, सुन लिया? फ्री है एकदम। तो किसी को अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ अगर पॉसिबल हुआ तो और कोई नोट्स वगैरह किसी बच्चे से लेके तुम्हें दे दिए जाएंगे, ठीक है? सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बाय।